बैठ जाओ नहीं तो बैठ जाओ बैठ जाओ आपको हम पे अभी जैसे गांव वालों से बात हुई, कल से बच्चे इधर बैठे हमने ये बताया कि जो सरकार के लोन 9वीं-10वीं क्लास में 150 बच्चे की जो कंडीशन है वो आप पूरी करते हो तो हम सरकार से आपका स्कूल अपग्रेड करवा दें। तो इन्होंने कहा कि भाई हम पूरे करवा देंगे बच्चे, तो हमने राइटिंग में इन्हें राइटिंग में दी, हमने भी राइटिंग दे दिया कि आप जो भी बच्चे पूरे करवा दें हम आपको स्कूल अपग्रेड करवा दें। तो कल तो ये मांग कर रहे थे कि 120 बच्चे इनके स्कूल में उसी पे अपग्रेड किया जाए, बढ़ा नहीं सकते बच्चे? नहीं ऐसा नहीं, हमने 5-7 बच्चों की कहा कि रिलैक्सेशन करवा देंगे, 150 की है तो 5-7 बच्चे कम भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये रिमोट का गांव है और काफ़ी दूर 8 किलोमीटर यहाँ बच्चों को जाना पड़ता है तो हम रिलैक्सेशन करवाएंगे। डॉक्टर साहब जैसे 10 किलोमीटर जाते हैं आसपास में 2-2, 3-3 किलोमीटर में 10वीं तक स्कूल है उसमें भी इसी तरह से बच्चे हैं, ऐसा संभव नहीं कि उनके जो 2-3 किलोमीटर दूसरा गांव है उनके 10वीं और 9वीं के कक्षा के जो छात्र हैं उनको भी काउंट करके एक स्कूल कर दिया जाए ग्रेड 3-4 किलोमीटर बात की जा सकती है? करें ना यहाँ ये करें एडमिशन, हमने डीओ साहब से हिदायत दी। वो तो 11th में होगा ना सर, 10th में तो अपने गाँव में पढ़ेंगे वो, अगर पहले इस तरह से 11th के एडमिशन दिखा के अगर इस तरह से संभव है बातचीत हो तो इस तरह से नहीं हो पाएगा ना, बच्चे ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं, देखो अगर होता है तो खत्म कर रहे हैं धरना हो गया तो ये मान तो रहे गाँव वाले लेकिन बच्चे अभी अपग्रेड की बात हो रही है लेकिन इसमें जो मेन बात उठ के आ रही है सुरक्षा को लेके उठती है तो उसके ऊपर मेन क्यों नहीं ध्यान दिया जाता कि ऐसी बात ही ना उठे जो मतलब अपग्रेड वाली बात है। सुरक्षा के लिए तो अभी डीसी साहब ने भी एसपी मैडम ने भी कहा कि हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, स्कूल में जो जहाँ भी जाते हैं बच्चे रोडवेज की बस देंगे उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी देंगे और बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे, ये हमारा हमारी जिम्मेवारी है, ये अभी हमने प्रशासन की तरफ से और सब ने दिया फैसला नहीं हुआ ना उसमें भैया देना, इन्होंने ये कहा है कि राम धर्मवीर सिंह आ जाए और हम ऐसा तो क्या कारण जो बनवारी लाल है उसकी बात पे भरोसा नहीं है आपको? ऐसा नहीं कभी बात चलेगा, अच्छा बनवारी की बात पे भरोसा नहीं है, राव नरवीर की बात पे भरोसा है? वो इसलिए नहीं माना गया साहब कि वो ये कह के गए कि आप 150 बच्चों की बात पूरी कर दो हम स्कूल को अपग्रेड कर देंगे, लेकिन हमारा गांव बॉर्डर का गांव है और यहाँ 150 बच्चे पूरे होने बहुत मुश्किल काम है और हमने सोचा कि भाई ये काम हो नहीं पाएगा इसलिए बातचीत का दायरा टूट। वो तो कह रहे थे कि आप कर दोगे 10 दिन में, मैं लिखित में दे रहा हूँ एक लेटर हेड पर लिखित में भी दे, उसमें भी 150 ही लिखा है। अच्छा तो 150 हो ना नो ना नोमन तेल होगा ना राधा ना। तो राव नरवीर की पंचायत हुई अब हम सारा गांव इस बात पे सहमत हुए हैं कि राव नरवीर सिंह यहाँ है और हमारा हम पे उनको भरोसा, तो वो भरोसा लेके जाएंगे उस भरोसे पे उठ जाएंगे? हम भरोसा नहीं, वो हमें ये भरोसा है कि वो जब आएंगे तो सब कुछ लेके आए।
धरने की ये करेंगे, आज बच्चों का अगर 150 बच्चे कर लेंगे और उसके बाद धरने का हो जाएगा। आश्वासन मंत्री जी भी आए थे, वो भी यही कह के गए 150 बच्चे आपके हो जाते हैं तो पक्का हो जाएगा। उन्होंने लिखकर अपने साइन करके भी दिए थे मगर बच्चे नहीं मान रहे। बच्चे यही कह रहे हैं कि पहले चंडीगढ़ से लेटर आए उसके बाद ही हम मान। तो आप इनके साथ में लड़ाई में शामिल है जिस तरह से चाह रहे हैं कि कर दिए जाए? मैं इन्हीं के साथ हूँ लेकिन कानूनी तौर पर 150 बच्चे होंगे तभी आज पूरा होगा।